यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। बहुजन समाज पार्टी की खामोशी और पार्टी समाजवादी पार्टी के महागठबंधन फॉर्मूले के तहत कांग्रेस के लिए 2 सीट छोड़ने के ऐलान के बीच देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर चुनावी मैदान में उतरने का मन बनाया है और इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। साल 2019 के आम चुनाव में बीजेपी के खिलाफ बड़े दलों का महागठबंधन बनाने की कवायद में जुटने के बाद अब कांग्रेस अकेले दम पर चुनाव मैदान पर उतरने को बेकरार दिख रही है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि पार्टी के ज्यादातर नेता वैसे भी समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाने को लेकर रजामंद नहीं थे। हालांकि बसपा के साथ गठबंधन किया जा सकता था, लेकिन बसपा अध्यक्ष मायावती की योजना अधिकतम सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों को खड़ा रखने की थी ताकि त्रिशंकु लोकसभा के हालात में प्रधानमंत्री के तौर पर उनका दावा ज्यादा पुख्ता हो सके, जिसके बाद अब कांग्रेस ने सभी 80 लोकसभा सीटों पर लड़ने के लिए कमर कस ली है।